पंजाब में रहने वाले लोग मुल्तान में वाकया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी यानी BZU के नाम से वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जिसके नाम से मंसूब है, बहुत से लोग उस शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की तारीख से अभी तक ना वाकिफ़ हैं। आज मैं आपको इसी शेखुल इस्लाम की तारीख से रोशनास करवाने जा रहा हूँ। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉटनिस्ट एजुकेशन। आप रहमतुल्ला का इसमें ग्रामी ज़िक्रिया, कुनियत अबू मोहम्मद, लकब बहाउद्दीन है। याद रहे आपको अल शेखुल कबीर शेखुल इस्लाम का खिताब भी दिया गया। शेखुल इस्लाम हज़र गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का शुमार औलियाल्लाह में होता है। आपके वालिद ग्रामी का नाम शेख वजीउद्दीन मोहम्मद गौस था। आपके अबाव अजदाद का तअल्लुक कबीला कुरैश से था। आपके दादा शेख अबू बकर अलमरूफ कमालद्दीन अली शाह कुरैशी मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके ख्वारज़म आए और ख्वारज़म से तर्क सुकूनत करके कोट करोड़लाल एहसन में क़याम पज़ीर हुए। आपकी विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक शब लैलतुल कदर 1171 बवक़्त सहर बमुकाम कोट करोड़लाल एहसन तखलक ख़ानदान के दौर में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तलीम कोट करोड़लाल एहसन में ही हासिल की। 12 साल की उम्र में ही वालदे बुजुर्गवार का साया सर से उठ गया। वालदे ग्रामी की वफात के बाद आपने सिबा अशर के साथ कुरान करीम हिफ्स किया। इसके बाद आपने तकरीबन 25 बरस तक खरासान, बुखारा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त के जलीलुल कदर उलमा से उलूम ज़हरी व बातनी की तालीम हासिल की और फिर बैतुल मुकद्दस से होते हुए बगदाद पहुँचे और यहाँ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के दस्ते हक पर बैत की। शेख तरीक़त ने 17 दिन बाद ही आपको खिलाफत अता फरमा दी। आपने मुर्शद के फरमान के मुताबिक दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सरजमीन हिंद का रुख किया और मदीनतुल औलिया मुल्तान को बकायदा तौर पर अपना मस्कन व मरकज़ बनाया और फिर रशद व हदायत के वो चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी से आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया समेत एशिया के दूर दराज इलाके मुनव्वर हैं। मुल्तान आते ही आपने मदरसा बहाइया के नाम से एक दीनी इदारा कायम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते खुद तलीम व तदरीस और तबलीग व इरशाद में गहरी दिलचस्पी लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये मदरसा इस्लाम की अजीम शान यूनिवर्सिटी की सूरत इख्तियार कर गया। इस इदारे में आपने मुख्तलिफ शोबाए तलीम कायम फरमाए हुए थे जिनमें तमाम उलूम फ़नून की तलीम दी जाती थी। इस दरसगाह से वो महक्किक, मुफ्ती, फुकहा, मनाजिर और मुबल्लिग पैदा हुए जिन्होंने अपने खुदादादे इल्मी और रूहानी सलाहियतों को काम में लाते हुए इशात इस्लाम और तबलीग दीन के लिए कलीदी किरदार अदा किया और यहाँ के फारगुल तहसील उलमा बैक वक्त ज़िंदगी के हर मैदान मसलन दरसो तदरीस, तहरीर व तकरीर, तिजारत, सन्नत और तिब वगैरह में नमाया खिदमत सर अंजाम देते थे और साथ ही अजीम रूहानी पेशवा भी होते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम की इस यूनिवर्सिटी में फ़रोग़ इस्लाम के लिए उस वक़्त की तमाम बैनुल अक़वामी ज़बानें सिखाई जाती थीं। आपने इतराफ़ आलम में दीन हक़ की रोशनी फैलाने का ये मुनफरिद तरीका अख्तियार फरमाया कि जो तालिब इल्म रज़ा कराना तौर पर अपने आप को तबलीग दीन के लिए पेश करता तो उसे उस शोबे में दाखिल किया जाता जिस शोबा दीन की उससे खिदमत लेना मकसूद होता, जहां उसे उस इलाके की ज़बान सिखाई जाती और वहां के तौर तरीके भी मुकम्मल बताए जाते और जब एक जमात मुकम्मल तरबियत याफ्ता हो जाती तो उन्हें उनके हसब मंशा इलाका में खिदमत दीन के लिए रवाना कर दिया जाता और जब कोई मुतअल्लम ताजर बनकर रवाना होने लगता आप इसे बुलाकर अपनी तरफ से 5000 अशरफियाँ अनायत फरमाते और इन्हें कुछ हदायात के साथ रुखसत करते कि देखो तुम एक सौदागर की हसीयत से जा रहे हो, तजारत के बारे में इस्लाम के कुछ असूलों को हमेशा पेश नज़र रखना। नंबर 1, चीज़ों को कम मुनाफे पर फरोख्त करना। नंबर 2, ख़राब चीज़ें हरगिज़ फरोख्त ना करना बल्कि इन्हें ज़ाया कर देना। नंबर 3, ख़रीदार से इंतहाई इखलाक और शराफत से पेश आना। नंबर 4, जब तक गैर मुस्लिम लोग आपके कोलकरार के गर्विदा ना हो जाएं, इन पर इस्लाम पेश ना करना।
हज़रत शेखुल इस्लाम का फरमान है कि कम खाने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है, रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से दीन सलामत रहता है। आप रहमतुल्लाह का अरशाद है कि बंदे को चाहिए कि वो इखलास से अल्लाह ताला की इबादत करे, अकवाल और अफ़ाल में अपना मुहासबा करे और हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करे। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दो शादियां थी। पहली बीवी से चार बेटे और एक बेटी, दूसरी बीवी से तीन बेटे और दो बेटियां हुईं। आपने सात सफरुल मुजफ़र बरोज़ मंगल को 92 साल की उम्र में 1262 में वफात पाई। मज़ार मुकद्दस का मकबरा हज़रत शेखुल इस्लाम ने खुद तमीर करवाया था। ज़ायरीन मज़ार मुकद्दस में कदम रखते ही नई दुनिया में पहुंच जाते हैं और इन पर एक अजीब कैफ़तारी होती है और कल्ब रूह की तमानियत तो तस्कीन नसीब होती है। जिस दिन हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का इंतकाल हुआ उस दिन हज़रत बाबा मसूद गंजशकर पाकपतन में थे, तो अचानक उन पर गशी का आलम तारी हो गया और जब होश में आए तो आप दीदा होकर शेख अब्दुल्ला बलीकी की तरफ देखा और फरमाया कि आज शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का विसाल हो गया है। मैंने अभी अभी देखा है कि 1000 फरिश्ते उनके आगे और शेख शहाबुद्दीन उनके पीछे हैं और शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया को आसमान की तरफ लिए जाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप इस मज़ार के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई कार्ड में लिंक पर क्लिक करके मज़ार के मुतल्लिक मालूमात जान सकते हैं।